Hey guys, welcome back to the fresh vlog. मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे. आपका स्वागत है नए मजेदार फ्रेश व्लॉग में. अपने व्लॉग की शुरुआत है एक फ्रेश डे के साथ और इसी के साथ एक और नया व्लॉग और नया दिन. अभी और की भाई सुबह सुबह और नहीं सोते उठे भाई और सोते उठे पहला काम क्या उसके व्लॉग का देखो भाई बाहर का कैसे लग रखा है इस टाइम प्रॉपरली सारे टाइल्स वगैरह लग गए हैं और देखो पेड़ वेड़ की क्या हालत हो गई सुबह सुबह और रात में भाई इतनी ज़्यादा तेज बारिश हुई है ना भाई आज क्या ही बताएं. देखो भाई तो ये सब पूरा सीन है. बाकी छत पे भाई कबूतर है आज क्या रात में देखते ही उड़ गए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. अभी भाई सो के उठे हैं सुबह सुबह और चले आए भाई छत पे टहलने टहलने गए. आते आते बैठ गए भाई दबे अभी तो सुबह सुबह मॉर्निंग में नेचर की हवा लेनी चाहिए सबको और नेचर की तरफ तो बैठे क्योंकि भाई सुबह की जो ऑक्सीजन होती है वो भाई बहुत प्योर होती है इसलिए. बाकी भाई मुझे ईगल लिख रही है पता नहीं वो ईगल बोलते हैं क्या बोलते हैं ईगल ही होते हैं वो. देखा है ये देखो भाई आप लोग उसको क्या बोलते हो मेरे हिसाब से ये ईगल ही है. और मैंने सुना है भाई ईगल्स वगैरह आइज वगैरह पे हिट करते हैं सीधा. मेरे को तो पर्सनली बहुत डर लगने लगा भाई कभी कभार. तो दिस इज ऑल अबाउट भाई सुबह मॉर्निंग हो रखी है अभी सो के उठे भाई और अभी ब्रश व्रश करेंगे जाके फिर उसके बाद तैयार होंगे कॉलेज जाएंगे जाके और क्या और ठीक है देखेंगे क्या है भाई शाम वाम में मिलते हैं आपसे ठीक है. तो अभी तो जा रहे हैं ब्रश कर ले तैयार होते हैं फिर मिलते हैं. मुँह हाथ धो के सब भाई रेडी होने अभी भाई ये कपड़े निकाले भाई बाहर और आज की कुछ आउटफिट पहनेंगे भाई अपन लोग. सो दिस इज ऑल अबाउट चलते हैं ऐसे नहाते चल के मुँह हाथ धो लिया ब्रश व्रश कर लिया नहाने थे जल्दी तैयार होते हैं नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं ऐसे कॉलेज क्योंकि अभी जा रहे हैं अपने कॉलेज और पढ़ लें एक बार फिर शाम आप में आप लोग से मिलेंगे व्लॉग करेंगे आप लोग से बातें करेंगे और जैसा होता है सब बताते हैं. फटाक से एक बार नहा ले जाके और तैयार हो जाते हैं तैयार व्यार होके एकदम फिट फुट हो गए. अब चल रहे हैं यहाँ से अपने कॉलेज की ओर निकलते हैं भाई अपने कॉलेज और पहुँचते हैं देखते हैं चल के क्या करना है आज क्या नहीं करना है कैसे क्या काम रहता है. बाकी अभी तो भाई खड़े हैं अपने गैरेज वगैरह में और ये देखो सारी ब्यूटीज हमारी खड़ी हुई हैं इधर पे भी खड़ी है इधर पे खड़ी है और एक ये खड़ी है i20. सो दिस इज ऑल अबाउट ओहो भाई देखो मेरे वाइट न्यू जूते भाई न्यू तो नहीं है मतलब हो गए भाई पुराने हो गए यार अब एक नए जूते लेने वाले हैं और बहुत दिन हो गए भाई इसको लास्ट व्लॉग में निकाले थे ऑलमोस्ट भाई पिछले उस दिन लाके खड़ी कर दिया भाई एक हफ्ते से गाड़ी खड़ी है भाई. कभी कभार भाई ये डिसएडवांटेज हो जाता है जब आपके पास ज़्यादा गाड़ियाँ रहती है अब तो बैटरी उतर जाएगी बैटरी ड्रेन हो गई तो फिर क्या करेंगे. चलो खैर लेकिन बहुत दिनों से भाई ये अच्छा हुआ रात में हुई थी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश तो ये चीज़ अच्छी हुई कि बारिश की वजह से भाई गाड़ी मेरी पूरी धुल गई यार. मैं सोच रहा था गाड़ी धुलवाऊंगा बट चलो ऑलरेडी हो गया पहले से. भाई देखो यार ये कैसे रैशेज आ गए यार हेलमेट के क्या ही कर सकते देख रहे हो भाई ग्रीनरी वगैरह हटवाने वाली है बारिश का मौसम रहा है तो अब ये आ गई है ये चीज़ हटेगी अभी यहाँ पे. बाकी कभी कभार तो मुझे अपने घर से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है मेरा प्लॉट पे जहाँ पे मेरी सारी ब्यूटी खड़ी होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट भाई चलो निकलते हैं यहाँ से कॉलेज की ओर और कॉलेज में तो शूट नहीं करेंगे बाहर चल के शाम में होगा तो शूट वूट करेंगे मिलाएंगे आप लोग को सत्यम लोग से और क्या बाकी ठीक है चलो निकलते हैं. बाय द वे 8:24 हो गया भाई 9:05 से अपनी क्लास होती है चलो निकलते हैं ठीक है लेट्स गो. भाई अभी यहाँ पे ऋषिक घर के बाहर खड़े हैं और भाई अभी एक इतनी बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ. भाई मैंने शर्ट पहन रखी है ठीक है
और इस शर्ट में भाई मैंने अभी अभी नोटिस करा कि भाई यहाँ पे एक बटन ही टूट गया भाई ये वाला। और इवन मैं इसको भाई पहने हूँ पूरे 1-1.5 घंटे हो गया पहने, हमको घर में पता ही नहीं चला। अभी जस्ट मैं ऐसे नीचे किया और मुझे दिखा भाई वो। अब ऐसे जा नहीं सकते, वापस से जाएंगे पहले घर, चेंज करेंगे शर्ट, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। शायद व्लॉग की जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं भी पता चला हूँ। मैं अभी ये चीज़ ध्यान दिया और भाई क्या है यार भाई मतलब क्या, एक तो ऊपर से ये लेट कर रहा है भाई, 8:30 बज गए हैं भाई, ठीक है 9 बजे का अपना कॉलेज, आज तो लेट होंगे भाई मुझे लग रहा है, आज पक्की बात है लेट होंगे भाई, जल्दी आए तो चले। तो भाई हो गया भाई कॉलेज कंप्लीट और बाहर आ गए भाई अपना करके, अब जा रहे हैं भाई पैदल चल के थोड़ी दूर, क्योंकि भाई हमारे ऋषि भाई साहब गाड़ी लेके आएंगे। और देखो भाई कैसी भीड़ हो रखी है भाई, देख रहे हो। और ये है हमारे टेक्निकल हेड साहब बागी, आज ऋषभ नहीं आया भाई, पता नहीं क्या कर रहा है घर में, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। सत्यम हाथ यार हाँ? कुछ तुरंत हाथ जोड़ लेता यार, पता है जितने लोग भाई ठीक हो भाई आप लोग मुझे कमेंट कर प्लीज, सच में कमेंट करना भाई, जितने हम जाए हो सकता है जितना सत्यम है भाई कर रहे यार सत्यम सही ना कंजूर, ये बात तो सच है बाकी चलो ठीक है यार सब ठीक है ओके है। बाकी क्या किया दिन भर आज तुमने कॉलेज में, कैसा क्या तुम्हारा कॉलेज का दिन? ये देख रहे हो बीटेक में आके भी वैन से आ रहे हैं, सोचो हम भाई स्कूल में जाते थे अपने वैन से, ये बीटेक में आके वैन से आ रहे हैं, पीछे वैन आ गया तो इधर आओ। चलो सही है, भी सही है भाई। तो ठीक है भाई अभी निकलते हैं भाई यहाँ से घर की ओर, भाई किसी कलकत्ता जाना तो क्या जाना है कलकत्ता जाना। हाँ देखो भाई हमारे कॉलेज से कोलकाता 995 किलोमीटर दूर है भाई, और दिल्ली लिखा होगा पक्का, और देखा दिल्ली जाना है तो 458 किलोमीटर डायरेक्शन है भाई, बता दी भाई ये दिखता होगा किसी को ना वो भी यहाँ हमें नहीं लगता दिखता होगा। ये देख रहे भाई छुट्टी होने के बाद भीड़, आहा ये खड़े हैं इधर देखो साइबर के ले लड़को, बिल्कुल बिल्कुल ये देखो भाई हमारे क्लास के दोनों भाई लोग हैं अपने, चलो भाई एक ये आ गया और ये भाई साइबर के ना भाई सब ठीक है यार देख रहे तुरंत भाई गाड़ी में जहाँ गाड़ी दिखी सत्यम गुप्ता लद गए 5 मिनट भी भाई इनको पैदल नहीं चलना भाई जीवन में अपने यार। देखो भाई जाम कितना लग रखा भाई, अल्ले चल इसको आगे आज फूड कोर्ट में छोड़ेंगे भाई, कूदना उदना नहीं बता देना हम उतार देंगे यार। देख रहे इनकी वैन वाला आई नहीं, मिल ही नहीं रहा है। चलो फिर अबे पहचानते कैसे तुम्हारी वैन कौन सी है? सद्दा सबूरी लिखा हुआ थी जिस दिन सद्दा सबूरी मिट गया उस दिन सत्यम की वैन भी मिट जाएगी। चलो भाई हो गया भाई छुट्टी, निकल रहे घर की ओर यहाँ से, ठीक है चलते भाई फाइनली घर चलते हैं, मजे करते हैं चल के घर पे। और एग्जॉस्ट हो गया भाई थोड़ा सा, लो हेलमेट लगा ले ठीक है, तो उसके बाद निकलते हैं फिर यहाँ से अपने घर की ओर। देख रहे हो जाम भाई, ये रोज रोज हो जाता है क्योंकि भाई जब कॉलेज छूटता है तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती हैं। और चलो ठीक है घर पर मिलते हैं आप सबसे, भाई अपना कॉलेज कंप्लीट और चले आए भाई घर। अभी तो भाई इवन रात हो रखी 7:00 बजे और खाना खाने बैठे हैं अपन लोग, आज हमारे पास है भाई पनीर की सब्जी और रोटी, चावल नहीं खा रहे हैं अपन लोग क्योंकि चावल में अच्छा नहीं रात में खाने की। तो भाई दबे ऐसा पूरा सीन है, बाकी क्या है, बाकी खाना खा रहे हैं अभी और मजा मस्ती करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको दिखाते हैं भाई व्लॉग में अपने, मैंने कहा था चलो ठीक है वहाँ घर चल के आपको दिखाएंगे। भाई मुझे मिला है एक गिफ्ट, अब वो गिफ्ट क्या है, वो गिफ्ट है भाई मुझे भाई गिफ्ट मिला है भाई ये वॉलेट, और जो कि मेरा
सब्सक्राइबर कम फ्रेंड ने दिया है, एक मेरी वन ऑफ द फ्रेंड है भाई, ठीक है, तो उसने भाई मुझे गिफ्ट किया है ये, और वो मेरी सब्सक्राइबर भी है साथ ही साथ। हाँ लड़की है भाई, और आप लोग मतलब बहुत लोग जानते हो भाई, मेरे व्लॉग में बहुत बार वो आ चुकी है, वन एंड ओनली सृष्टि, जिसने मुझे गिफ्ट किया है भाई वॉलेट, क्योंकि भाई जो मेरा वॉलेट था भाई वो अच्छे से देखो, पहले वॉलेट देखो भाई, लेजिट भाई उसका वॉलेट भाई, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और बहुत ज़्यादा पसंद आया भाई बंदी। फिर मैंने अपनी फ़ोटो भी रख ली भाई इसमें, इधर पे कार्ड्स वार्ड्स रख लिए अपने, और अंदर पैसे वैसे धरे हैं सब, तो खैर वो तो चलो अलग चीज़ है। बाकी इधर से तो वो वॉलेट की बात नहीं है, वॉलेट तो खैर सभी इसको सेम होते हैं, उसमें कुछ अलग नहीं होता है, बट पर्सनली मुझे चीज़ें जो पसंद आई भाई इसमें, एक्चुअली हो क्या रखा था मैं बताता हूँ, रियलिटी है क्या, रियलिटी क्या है भाई, मेरी थोड़े दिन पहले सृष्टि से हो गई थी लड़ाई, अप्रॉक्स ऐसे हम लोग की बातचीत बंद हो गई थी, मतलब एक डेढ़ हफ्ते हो गए थे भाई हम लोग ने बात बात नहीं करे। फिर इस बंदी को भाई थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हुआ, ठीक है मुझे भी थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि मतलब ठीक है थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो इतना नहीं लेके चलते, इसको भी हुआ मुझे भी हुआ। फिर भाई ये बंदी ने मेरे लिए वॉलेट खरीदा, कुछ इसका सॉरी बोलने का कारण नहीं था, वॉलेट मेरा बहुत पहले से मन था, मैं सोचा था खरीदूंगा खरीदूंगा खरीदूंगा, बट टाइम वाइम के चक्कर में मिल नहीं पाता टाइम, इसे जा नहीं पाता था खरीदने, तो ये बंदी ने खरीद के भाई ले आई ऐसा वैसा। और पर्सनली थैंक यू सो मच सृष्टि फॉर गिविंग मी दिस ये वॉलेट। और भाई हमारा एक गुड न्यूज़ है भाई हमारे पास, गुड न्यूज़ हमारे फ्रेशर्स के लिए है, जितने भी भाई हमारे फ्रेशर भाई देख लो आप सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है भाई, कि गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्दी आप लोग कॉलेज स्टार्ट करने वाले हो। आज मे भी जब ये व्लॉग लाइव होगा आज कितनी आज 27 है, कल 28 होगी, तो कल 28 तारीख को आप व्लॉग देख रहे हो, 28 तारीख और 29 तारीख से हमारे जो भी हॉस्टलर फ्रेशर्स हैं उनकी रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी है भाई, वो कॉलेज के हॉस्टल वगैरह में रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे 28-29 से, और प्रॉपरली तरह से जो फिक्स डेट है वो है 30th of September, जब से आपकी नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बीटेक की। और पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी है भाई आप लोग के से मिलने का, और आओ जल्दी जल्दी आओ, बिल्कुल मिलेंगे कॉलेज में मिलेंगे, बहुत मज़े करेंगे मस्ती करेंगे, और किसी भी तरह की हेल्प होगी सब हेल्प करेंगे।